ब्लॉग फॉर्म में कर रहे हैं। तो अभी हम प्रैक्टिस के लिए जा रहे हैं। हर्डल पे इतने स्तर पे वर्कआउट करना चाहिए। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। हम आज यहाँ पर मॉर्निंग का सेक्शन दिखा रहे हैं आपको, और आज का वीडियो में हम यहाँ पर ब्लॉक फॉर्म में कर रहे हैं। तो अभी हम प्रैक्टिस के लिए जा रहे हैं, फिर ग्राउंड पर जाएंगे, अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, वो भी आपको दिखाएंगे। और आज का जो मॉर्निंग का सेक्शन है वो आपको पूरा दिखेंगे, और उसमें कुछ इम्पोर्टेंट टिप्स भी हम आपको दिखाएंगे। यहाँ पर हमारे साथ यहाँ पर सोनिया, उसके साथ पीछे रोहित बैठे हुए, और हम सभी यहाँ पर प्रैक्टिस के लिए जा रहे हैं। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हम अच्छे से वीडियो बनाएंगे, और जो इम्पोर्टेंट सेक्शन है कुछ इम्पोर्टेंट टिप्स भी आपको बताएंगे। तो चलो हम ग्राउंड पर मिलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर हमने अभी वार्म अप एक्सरसाइज पूरा किया है, और आपको दिखाया नहीं क्योंकि यहाँ पर थोड़ी बारिश हो रही है। यहाँ पर हम आपको दिखाते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर बारिश हो रही है, और बारिश की वजह से हमने अभी वार्म अप एक्सरसाइज आपको दिखाया नहीं। और वार्म अप एक्सरसाइज होने के बाद हमने यहाँ पर देखो हर्डल्स रखे हैं, और हम यहाँ पर वर्कआउट हर्डल पर करेंगे। यहाँ पर देखो हर्डल्स है, और अगर जब बारिश होती है मतलब थोड़ी बारिश है, आप वर्कआउट नहीं कर सकते, रनिंग कर नहीं सकते, तो आप यहाँ पर हर्डल वर्कआउट कर सकते हैं। फिर यहाँ पर जो स्टेयर है, ये स्टेयर वर्कआउट भी कर सकते हो, ये सभी वर्कआउट आप कर सकते हो। और हमारे साथ हमारे जो यहाँ पर जो सभी स्टूडेंट है हमारे, वो यहाँ पर हमारे साथ जुड़े रहे, और हम यहाँ पर अभी वर्कआउट करने वाले हैं। और दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा हम ब्लॉग फॉर्म में यहाँ पर वीडियो बन रहे हैं, इसलिए थोड़ा मस्ती थोड़ा मजाक चलता है, इस तरह से हमने वीडियो किया है। यहाँ पर हमारा रोहित अभी बात करने वाला है। हमारा रोहित अभी बोल रहा है, और वार्म एक्सरसाइज होने के बाद अभी हम हार्ड वर्कआउट करेंगे ही, हमें आधा घंटा यहाँ पर हार्ड वर्कआउट करेंगे फिर घर जाएंगे, क्योंकि बारिश आ गई तो हम वर्कआउट नहीं बंद करेंगे। यहाँ पर थोड़ा हार्ड वर्कआउट करेंगे। तो हार्ड वर्कआउट यहाँ पर किस तरह से हो रहा है, और यहाँ पर हमारा रोहित बोलना चाहता है, उसके मुझसे हम सुनते हैं क्या वो बोल रहे हैं। यहाँ बहुत बारिश हो रही है, वीडियो चल रहा है, बोलो ग्रीविल की भर्ती निकल गई है, उसके लिए हम प्रैक्टिस कर रहे हैं बारिश में। बहुत अच्छा, यहाँ पर रोहित ने बहुत अच्छा बात की, जो भर्ती निकल चुकी है उसके लिए तो प्रैक्टिस करना चाहिए। अगर आप 16 सौ मीटर करते हो तो आपको, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे बंदे 16 सौ मीटर की तैयारी कर रहे हैं, और उनमें अगर आपको बेस्ट निकालना है, बेस्ट लगाना है, तो आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना चाहिए। मैं तो कहता हूँ आपको 4:30, 4:25 तक आपको 16 सौ मीटर भागना चाहिए, तभी आपका वहाँ पर अच्छे से आप टाइम निकाल पाओगे, और अच्छे से प्रैक्टिस करना चाहिए। तो आज हम यहाँ पर हर्डल वर्कआउट करेंगे, और हर्डल वर्कआउट क्या करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, इससे आपका स्पीड बढ़ता है। मतलब हर्डल वर्कआउट एक स्पीड इवेंट है, स्पीड वर्कआउट है, इससे आपका स्पीड बढ़ता है, चाहे 100 मीटर हो, चाहे आप लॉन्ग जंप लगाते हो। अगर आप सोलह सौ मीटर करते हो फिर भी आपको हर्डल वर्कआउट करना चाहिए। तो अभी हमने एक 10 मिनट वर्कआउट किया है, अभी हमने रेस्ट दिया है एक 2 मिनट रेस्ट, इसके बाद भी हम यहाँ पर हर्डल वर्कआउट करेंगे। तो हमारे साथ यहाँ पर बहुत सारे हमारे स्टूडेंट यहाँ पर बैठे हैं, यहाँ पर हमारे सोने, तो हम सोने से पूछते हैं कि अभी हमने जो वर्कआउट किया
तो आप कैसे फील कर रहे हैं, मतलब बारिश में आपका वर्कआउट होता है कि नहीं होता? बहुत अच्छा होता है बारिश में वर्कआउट, ठीक है, और मज़ा मज़ा भी आता है, रोज की तुलना में बहुत मज़ा आता है। अरे वाह, बहुत अच्छी, बहुत मतलब अच्छी बात है, मज़ा भी आता है, वर्कआउट भी करते हैं और वर्कआउट भी अच्छा होगा। इसके बाद हम दीपक को पूछते हैं कि आपको कैसा फील होता है, मतलब वर्कआउट आपको जो है? बारिश में वर्कआउट तो नहीं करना चाहिए, पर हमारी भर्ती अभी निकला है इसलिए हमें समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। अरे वाह, बिल्कुल सही बात, बहुत अच्छी बात इसने की। और मैं आपको एक बात पूछना चाहूँगा कि अगर आप 100 मीटर के तैर करते हो, तो अभी आपने कभी ट्राई ली है 2-4 दिनों में, आपका टाइमिंग कितना है फिर? मेरा टाइमिंग 5:09 है। अरे बहुत अच्छा, यहाँ पर 5.09 सेकंड उसने टाइमिंग लगाया, और हम अभी बहुत अच्छी तरह से तैर करेंगे, ठीक है, अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। हमारा बंदा तो ये है 100 मीटर का बादशाह इधर किंग, और हम बहुत अच्छे दौड़ेंगे। नेक्स्ट टाइम हमारे 19 अगस्त में, वहाँ पर भी हम बहुत अच्छे दौड़ेंगे। तो हंसी मजाक तो चलते हैं ब्लॉक, मतलब वहाँ पर देखो तेजस जो वहाँ पर खड़ा है, नजर हाई नजर हाई। चलो तो हमें यहाँ पर वर्कआउट तो करना चाहिए, थोड़ी बारिश है लेकिन उसमें भी हम यहाँ पर वर्कआउट करेंगे। पुलिस भर्ती के स्टूडेंट यहाँ पर देखो, अभी वहाँ पर हर्डल्स है तो वहाँ पर जाकर हम बात करते हैं, ठीक है। अगर दोस्तों बारिश है तो आप इस तरह से हर्डल वर्कआउट करना, उसके साथ स्टेयर वर्कआउट भी आप कर सकते हो। और कैसे हो दोस्तों, और कैसे हो आप लोग, और बताओ। और दोस्तों आई होप कि आपको हमारी वीडियोज़ अच्छी लगती है, और ऐसे हमारे साथ जुड़े रहना, हमारे वीडियोज़ देखते रहना, आपको बहुत हेल्प होगी, आपका तो परफॉर्मेंस बढ़ेगा बढ़ेगा, और आपका जो हमारे जो इम्पॉर्मेशन वीडियोज़ होते हैं वो आपको हम बहुत अच्छी तरह से समझाते हैं, इसलिए आप हमारे सभी वीडियो भी देखना। तो चलो हम यहाँ पर उनका एक्सरसाइज देखते हैं, किस तरह से एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है। राइट, हर्डल पे इस तरह से वर्कआउट करना चाहिए, स्पीड से करना चाहिए। यहाँ पर देखो किस तरह से कर रहे हैं, इस सभी स्पीड एक्सरसाइज है। एक साइड पर जाने के बाद फिर दूसरी साइड आपको इसी तरह से वर्कआउट करना है। कम ऑन दीपक, कीप इट अप। और यहाँ पर हमारे बंदे देखो बहुत अच्छे से फील कर रहे हैं वर्कआउट, मजा आ रहा है ना वर्कआउट को, वर्कआउट करते वक्त कैसा लग रहा है तेजस, आप बताओ। अरे अरे अरे, हंस रहा है क्या तुम? तो वर्कआउट करेंगे तभी आपका परफॉर्मेंस बढ़ेगा। अभी हमने यहाँ पर हर्डल पे 2 वर्कआउट किए, फिर यहाँ पर देखो थोड़ी शॉर्ट हर्डल है, यहाँ पर देखो दिखता है आपको। और हम यहाँ पर आपको मजाक वाली बात सुना रहे हैं, अगर किसी ने उसको हम यहाँ पर कीचड़ में गिराएंगे, यहाँ पर तेजस को हम गिरने वाले हैं, क्योंकि गिराने वाले हैं तेजस अभी हम, क्योंकि उसमें अभी हर्डल गिराएगा, उसको हम यहाँ पर उसको पकड़ेंगे और गिराएंगे। अभी नया अभी वर्कआउट करेंगे, और एक स्टेज नेक्स्ट स्टेज।
हमारे बंदे बहुत अच्छी तरह से वर्कआउट कर रहे हैं और हमारा परफॉर्मेंस बहुत अच्छी तरह आ रहा है। और आप भी दोस्तों बहुत अच्छे से वर्कआउट करना, आपका भी परफॉर्मेंस बढ़ेगा। और रोहित तुम जो पीछे जा रहे हैं उसको आगे आ थोड़ा। ओके ओके सर, ओके ठीक है। और हमारा रोहित भी बहुत अच्छी तरह से हिंदी बात करता है, ठीक है। अच्छा है ना, बढ़िया है बढ़िया है। और हम यहाँ पर वर्कआउट कर रहे हैं और रोहित हमारा बहुत सहा जा रहे थे। अभी सुबह वर्कआउट किया, अभी सुबह वर्कआउट हुआ, उसके बाद हम शाम को भी यहाँ पर आएंगे क्योंकि शाम को भी यहाँ पर प्रैक्टिस के लिए। तो अभी वर्कआउट किया है, इसके बाद और भी वर्कआउट करने वाले हैं और अभी बिगे हुए हैं यहाँ पर। हम तेजस को छुप वीडियो के, इसलिए हम थोड़ा ही मजा कर रहे हैं लेकिन बाकी वर्कआउट बहुत अच्छे से कर रहे हैं। और भी थोड़ा एक दोन एक्सरसाइज बचे हुए हैं, उसको भी हम अभी करेंगे। सो आई होप कि इस तरह से आप, और यहाँ पर देखो हर्डल पर हम अभी डबल लेग जंप कर रहे हैं, फिर उसके बाद यहाँ पर हाई नहीं करेंगे, फिर अच्छे से स्ट्रेचिंग करेंगे। वर्कआउट भी अच्छा हुआ है, विन विन, हम विनर है, इसी तरह से प्रैक्टिस करना चाहिए, ठीक है। स्टार्ट यहाँ पर ओ, गिराओ गिराओ उसे, गिराओ गिराओ बस 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 यहाँ पर देखो उसने हर्डल गिरा लेकिन वीडियो में नहीं आया हूँ। रोहित गिरा ही ना यहाँ पर नाच दीपा, कम ऑन, दिस इज अ परफेक्ट जंप। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा वर्कआउट कंप्लीट हो गया, यहाँ पर हमारी स्ट्रेचिंग कर रहे हैं। तो इसी तरह से स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज जरूरी है, बारिश हो इसलिए हम इस तरह से स्ट्रेचिंग कर रहे हैं। अगर बारिश है तो आप इस तरह से स्ट्रेच कर सकते हैं, आप मतलब स्ट्रेच कर सकते हैं। और बारिश में हम देखे मज़ा भी आया, वर्कआउट भी अच्छा हुआ, हमारा रोहित भी गिरा। जो है ना ये इंटरेस्टेड गेम है, यहाँ पर जो अंदर बहुत सारे गेम होता है, टेबल टेनिस सब गेम है। और हमारा ग्राउंड वहाँ पर दिखाओ रोहित, ये जो ग्राउंड दिखाओ, ये सभी 400 मीटर का ग्राउंड अभी बारिश में थोड़ा गिरा है। फिर और जब हम बारिश हो जाती है यहाँ पर हम इस तरह से जगह को, तो हमारा जो रोहित अभी कैमरामैन है, टेक बहुत अच्छा लेता है। सभी हमारे हमने अभी स्ट्रेचिंग किया। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, ब्लॉग अच्छा लगा होगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।